उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा पकाऊ क्वेश्चन है, लेकिन है तो कर लेते हैं थोड़ा इसको। पेपर में आने के चांसेस नहीं है इतने इसके, शायद ही 1 point something कुछ चांसेस हो कि पेपर में ये आए। करना क्या आपको, आपको इसमें बताना है कि यार इसमें 1 minus x upon 1 upon x 1 plus x cube है, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा। अब ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। 1 माइनस x को अपनी जगह पे रहने दो, 1 प्लस x क्यूब को ऊपर ले आओ तो पावर नेगेटिव 1 हो जाएगी उसकी, ठीक है। एक सेकेंड, 1 अच्छा ये होल क्यूब है, ठीक है, तो ये ऊपर आगे इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब देखो इसको तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बेसिस इनके सेम नहीं है, तो आप क्या करो, आप इनके बाइनोमियल में नहीं लगा दो, 1 minus x इसके बराबर होगा। इसको तो सिंप्लीफाई नहीं करो ना, ये तो अपनी जगह पे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस पे बाइनोमियल अप्लाई कर दो। और इस पे कौन सा वाला बाइनोमियल अप्लाई करो, मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया था कि कभी वो बाइनोमियल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई वाले केस में आपको बताया, तो ये मैं थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वैसे ही आपको बता देता हूं कि 1 plus x की पावर अगर -n हो जाए तो बाइनोमियल को थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। ये मैं यहीं पे यूज करवा रहा हूं, बाकी मैं यूज नहीं करवाता, क्योंकि यहां पे जनरल टर्म से लेना देना है काफी, तो आपको आसानी होगी इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला क्या था, एक तो ऑल्टरनेट साइन थे, 1 minus nx plus n, अच्छा यहां पे n+1 था, ये मैंने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, आपको 8.3 के फॉर्म बुक में मिल भी जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 x की पावर स्क्वायर, फिर n plus 1 n plus 2 डिवाइड बाय 3 factorial, फिर x की पावर क्यूब होगा। करते करते इसकी जो nth टर्म होगी ना, सॉरी जनरल टर्म जो है, तो जनरल टर्म में आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे -1 की पावर r, और जनरल टर्म थी n n plus 1 n plus 2 dot 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 n plus r minus 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और आता था x की पावर r। अब ये कहां से आई ये चीज, जनरल टर्म में -1 की पावर r क्यों लिख रहे हैं, अच्छा एंड पे n plus r minus 1 क्यों है, पहले तो n minus r plus 1 होता था। ये सब बातें मैं 8.3 के पहले ही, जो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था उसमें 8.3, 4, 5 सबके टॉपिक मैंने समझाए थे, तो वहां पे डिटेल में मैंने इसको समझाया है, अभी जस्ट मैं आपको रेफर कर रहा हूं। तो सेम ये चीज अप्लाई करता हूं, क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो एग्जैक्ट वही चीज अप्लाई करो। जब आप ये वाली चीज यूज करोगे ना, अब आपने एन नेगेटिव नहीं लेना, मतलब अब यहां पे आप -3 नहीं लोगे, अब +3 लोगे, क्योंकि आपने माइनस का इम्पैक्ट यहां का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। ये जो n, n प्लस वन, ये सब चीजें कहां से आ रही है, आपने माइनस को n को नेगेटिव लेके ये सब चीजें निकाली है, तो अब आपने n को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना अभी यहां पे। तो अप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 minus n 3 है, तो ये हो जाएगा nx, मतलब 3x प्लस 3 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 factorial x का स्क्वायर। करते करते इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म होगी -1 की पावर r, 3, फिर 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, करते करते 3 plus r minus 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल x की पावर r, ठीक है। अब समझो इस बात को, x की पावर n कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप r की जगह n यहां पे पुट करो, जैसे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट आपने निकाला था लास्ट सवाल में, r की जगह 5 पुट करते, यहां पे आप n की जगह पे आप क्या पुट कर दो, यहां पे r की जगह पे आप n पुट कर दो। अब देखो यहां पे सिर्फ ये वाली बाइनोमियल नहीं, ये यहां पे 1 माइनस x भी है, इसको जब सॉल्व करोगे ना, तब जो x की पावर n का कोएफिशिएंट है वो आपको बताना है। अब जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 इन सब टर्म से मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है रूल होता है, अच्छा इसके आगे डॉट 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 भी आएगा क्योंकि इनफाइनाइट है ना, 1 जो है वो इन सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब 1 इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा जिसमें r की r आपने n पुट किया होगा, तो ये x की पावर n हो जाएगा ना, मतलब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा उसको कोई फर्क पैदा होगा नहीं, तो आपके पास एक x की पावर n यहां पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब ये माइनस x इन सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो तब भी आपके पास एक x की पावर n टर्म आ रही होगी, और वो कैसे आएगी वो जरा मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप क्या करो, आप इससे पिछले वाली टर्म लिख लो, आपने ये आर एक्स टर्म लिखी है ना, आर प्लस वन टर्म लिखी है जनरल टर्म, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी जरा उस पर देखते हैं। तो इससे जो पहले वाली टर्म होगी ना वो ये होगी, जैसे यहां पे r है ना, तो इससे पहले वाली टर्म में होगा r माइनस वन, एक का मैन एक्स है, ये होगा 3 4 5, करते करते इसमें r माइनस वन एड किया था ना, उसमें r माइनस टू एड करोगे आप, तो हो जाएगा 3 plus r minus 2, उसमें आ रहा होगा डिवाइडेड बाय नीचे होगा r माइनस वन फैक्टोरियल, और यहां पे x की पावर क्या होगी, r माइनस वन। तो इससे पहले वाली टर्म यहां पे,
अब आप क्या करो, आप यहां पे आर की जगह एन पुट कर दो। पेपर में ऐसा नहीं आएगा, अगर आया तो अब इसी तरह करना पूरा। आर की जगह एन पुट करो तो ये एक्स की पावर एन हो जाएगा। यहां पे आर की जगह एन पुट करो क्योंकि nth टर्म एक्स की पावर एन की बात की हुई है ना, तो आप पुट कर दो आर इक्वल टू, पुट आर इक्वल टू 5। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा, ये मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूं। ये वाली टर्म मैंने क्यों लिखी, ये मैंने इसलिए लिखी है जब ये 1 है इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन आ रही होगी, लेकिन जब माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n प्लस हो जाएगी, क्योंकि x की पावर n ऑलरेडी मौजूद था, जब ये x मल्टीप्लाई होगा ये x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन जब x इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n हो जाएगा। कैसे, ये वाला x जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर n माइनस 1 से, जब r की जगह सॉरी यहां पे n लिखोगे, r की जगह जब आप n पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, x की पावर n। तो x की पावर n वाली एक टर्म नहीं, दो टर्म है यहां पे, एक टर्म ये होगी जो कि 1 से, जब भाई सिंप्लीफाई करना है ना, आपने मल्टीप्लाई करने के बाद बताना है, जब 1 सबसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n आ रहा होगा। इसी तरह माइनस एक्स की तो सबसे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स की टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तब भी x की पावर n आ रहा होगा। तो ये दो टर्म है, इन दोनों को आपने डिस्कस करना है, इसके साथ भी x की पावर n आ रहा होगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये, और इसके साथ भी x की पावर n आ रहा होगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो आप दोनों में से x की पावर n कॉमन ले लेना, तो ये टर्म प्लस ये वाली टर्म, ये कोफिशिएंट माना जाएगा। मतलब देखो इसके साथ भी x की पावर n आ रहा है, इसके साथ भी x की पावर n आ रहा है, तो x की पावर n कॉमन ले लो, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म ऐड होंगे तो कोफिशिएंट बना रही होंगी x की पावर n का। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए दो एक्स स्क्वायर की टर्म है ये, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, पहली टर्म में से 1 आएगा दूसरी में से 2 आएगा, एग्जैक्ट वही काम करना है, एक्स की पावर एन कॉमन लो, पहली टर्म से यह आएगा दूसरी टर्म से यह आएगा, इनको एड करो वो कोफिशिएंट कहलाएगा एक्स की पावर एन, ठीक है। अब जरा यहां पे काम करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे r इक्वल टू n करो, ठीक है, n चाहो तो ये मेंशन कर सकते हो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस x एंड पुट r इक्वल टू n, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n कैसे मिलेगा जरा वो देखिए। यहां पे जब r एन पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर एन माइनस 1, ये क्या होता है, ये जो माइनस 1 है इसको इस तरह भी लिख सकते हो ना, माइनस 1 की पावर माइनस 1, बात ये की है बेसिस सेम होगी दोबारा एन माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर माइनस 1 डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगी, मतलब सिंपल माइनस 1 हो जाएगा, उस माइनस 1 को इसके साथ लिख दो इस तरीके से। तो कहने का मतलब माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 बराबर होगा माइनस माइनस 1 की पावर एन। दूसरी बात, जब आप इस माइनस एक्स को टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये माइनस इस टर्म के साथ आ रहा है ना, यहां पे माइनस आ रहा होगा जब आप एन पुट करोगे यहां पे, ठीक है, तो माइनस 1 की पावर एन उसके साथ नेगेटिव आ रहा होगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई भी आपने किया माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से, तो जब माइनस एक्स को इस वाले टर्म से करोगे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इस टर्म के साथ क्या होगा माइनस 1 की पावर एन, फिर आगे वही 3 4 5 ये हो जाएगा, जब r की जगह n पुट करोगे ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा इधर क्या होगा, इधर तो जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा, माइनस 1 की पावर n r की जगह n पुट कर दोगे, 3 4 5 अप टू कहां तक जाना है आपने जाना होगा, यहां n पुट करो 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये जस्ट कोएफिशिएंट डिस्कस कर रहा हूं, x की पावर n जाहिर से मैं डिस्कस नहीं कर रहा, कोएफिशिएंट डिस्कस कर रहा हूं, अब सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, एक काम मैं कर रहा हूं वजह आपको पता चल जाएगी क्यों कर रहा हूं मैं, इसको इस तरह लिख देते हैं और इसको लिखते हैं माइनस 1 की पावर n 3 4 5, और इसको लिखो n n प्लस 1 n प्लस 2 नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल। ये मैंने क्यों लिखा है, देखो इस n प्लस 1 से पहले वाली टर्म क्या होगी, माइनस 1 करो n, मतलब ये पूरी मल्टीप्लाई हो रही है ना 3 4 5 करते करते आखिरी n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 से पहले क्या होगा n, उससे पहले n माइनस 1 फिर n माइनस 2 n माइनस 3 करते करते, इसी तरह यहां पे n माइनस 2 आखिरी थी, इससे पहले क्या होगा n प्लस 1 n फिर n माइनस 1 n माइनस 2 चलता जाएगा, लेकिन मैं इसको n तक लिखा, इसको मैंने n माइनस 1 तक लिखा क्यों। अगर आप इस चीज को गौर करो, ये जो पूरी चीज है ये पूरा n माइनस 1 फैक्टोरियल है,
अगर आप ऑब्जर्व करो n माइनस वन फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अप टू फाइव फोर थ्री टू। अच्छा एक काम करो, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, इधर भी टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ, इधर भी टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पूरी चीज क्या बन रही है, n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल यही तो होता है, इससे पहले क्या होगा, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर अप टू फाइव फोर थ्री टू, वन को छोड़ी दो, वन को लिखने की जरूरत है। तो ये पूरा n माइनस वन फैक्टोरियल है जो कि नीचे वाले n माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी चीज कैंसिल हो जाएगी इससे। इसी तरह अगर आप इस पे ऑब्जर्व करो तो ये पूरा n फैक्टोरियल है, क्यों, इससे पहले क्या होगा, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, फाइव फोर थ्री टू वन एंड पे, तो ये पूरी चीज जो है ये n फैक्टोरियल है, तो ये ऊपर वाला n फैक्टोरियल नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा, सबसे पहली बात माइनस वन की पावर n कॉमन ले लो, पहली ब्रैकेट से बचेगा n, n प्लस वन अपॉन टू, दूसरी से बचेगा n प्लस वन, n प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। तो काम करते हैं, अब इससे दो चीजें कॉमन आ रही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक तो n प्लस वन कॉमन आ रहा है, एक टू कॉमन आ रहा है, तो अब एक काम करो n प्लस वन अपॉन टू ये कॉमन ले लो, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा n और यहां पे बचेगा n प्लस टू, n और यहां पे बचेगा n प्लस टू, ठीक है। तो मजीद सॉल्व करते हैं, n ये हो जाएगा टू एन प्लस टू, टू एन प्लस टू में से जब आप टू कॉमन लोगे, मतलब इस तरह आप लिख सकते हो ना इसको, टू कॉमन लो एन प्लस वन एक ही बात है, इस तरह लिखो या टू एन प्लस टू लिखो बात एक ही होगी, टू से टू कैंसिल आ जाएगा माइनस वन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके पास दो क्वेश्चन आ जाएगा x की पावर n का। तो क्वेश्चन थोड़ा पका हुआ है, एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था इसलिए मे बी पॉसिबिलिटी के आ सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया। उसके बाद बच्चों 12 है, 12 में आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये बराबर है 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आपको प्रूफ करना है। तो किस तरह प्रूफ करोगे, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लो, प्रूफ स्टार्ट करते हैं और हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट 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 ये लिखा ना। अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये पूरी चीज इसके बराबर होती है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 और ये पूरी चीज बराबर होती है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, डिटेल में थ्योरी में डिस्कस किया था। सॉल्व करो हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 और इस पे आप लगा दो बाइनोमियल का फॉर्मूला। बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एन एक्स, एक्स यहां पे नेगेटिव आपने लेना है, सिंपल जो बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था ना वो आप यूज कर रहे हैं यहां पे, फिर एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फिलहाल हम देखते कितनी टर्म है, एक दो तीन है ना, हाँ तो तीन हमारी होगी है, हाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 4, ये है माइनस 3, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 3 4 बच जाएगा नीचे 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब इसी लेवल पे आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मैं नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, डिनोमिनेटर वाला 2 अपनी जगह पे रहने दो, ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है इसको मल्टीप्लाई करवा दो और बिल्कुल इसी फॉर्म में रखना, मल्टीप्लाई नहीं करवाना, मतलब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसको इस तरह लिख दो 1 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3x से तो इसको लिख दो 2 मल्टीप्लाई 3x, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये वाला 2 जो मल्टीप्लाई होगा इससे, ये वाला 2 और ये वाला 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा 3 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। और अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरी आपकी राइट हैंड साइड है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सवाल आपका बच्चों हो गया प्रूफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14 करवा देता हूं, मेन आइडिया आप लोगों को बस देना है, तो है तो बहुत इजी, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है रूट 26 की, किस तरह निकालोगे आप, इसको ब्रेक करना है 26 हो जाए 19 हो जाए, ब्रेक करने का तरीका होगा करीब तरीन जो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल 26 को ब्रेक करने के दो तरीके हैं, 36 माइनस 10
या 25+1, जितना चेंज कम होगा उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। चेंज मतलब 25+1, 25 में 1 ऐड हो रहा है तो 1 एक छोटी चीज है, जबकि 36 माइनस 10 एक बड़ी चीज है, तो आपने उसमें ब्रेक करना है जो करीब तरीन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में होगा √19, तो √19 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 16+3 या 25 माइनस 6। अब 25 माइनस 6 बड़ी चीज है, तो आप किस तरह ब्रेक करोगे 16+3, वरना आंसर आपका डेविएट कर जाएगा, वो अप्रोक्सीमेट के करीब नहीं होगा, दूर होता जाएगा वो, ठीक है। तो जितना करीब तरीन हो सकता है उतनी अच्छी आपकी अप्रोक्सीमेशन होगी। तो सॉल्यूशन में आप क्या करो, सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो 25+1, फिर आप इसको इस तरह कर दो 25+1 की होल पावर 1/2। उसके बाद आपको पता है कि 20 आपको 1 चाहिए होता है यहां पे, तो आप इसको इस तरह लिखो, 1+25 नहीं कर देना, वो चीज ही गलत बन जाएगी, वो x आपका इतना बड़ा हो जाएगा वो आंसर ही सही नहीं आएगा, तो 1+25 नहीं करना, x बहुत बड़ा हो जाएगा, x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, वरना आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी, वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये गलती मत करना। आप क्या करो 25 कॉमन लो अंदर से, तो पहले टर्म से 1 आ जाएगा और दूसरे टर्म से 1/25 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 25 के ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी और ये हो जाएगा 1/25 की पावर 1/2। 25 की पावर 1/2 आपको पता है 5 होता है, मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और आपके पास पीछे बचेगा 1+1/25 की पावर 1/2, ये सिचुएशन आ रही होगी। अब बस आपने इसे बाइनोमियल लगाना है और इसको सॉल्व करना है, तो बाइनोमियल लगाओ, ये हो जाएगा 1+nx+n-1/2 और x का स्क्वायर करो आप यहां पे। उसके बाद जो चौथी टर्म होगी वो होगी 1/2 -1, फिर होगी 1/2 -2/3 1/25³, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे 4 तक ही निकालो, काफी है, 4 भी वैसे बहुत एक्स्ट्रा है, आपको आंसर जो है ना 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। तो आप एक काम करो, जो ये बाइनोमियल लगा रहे हो ना, ये भी 3 या 4 टर्म आप लिखो बस इसके अंदर, तो नॉर्मली आप 4 टर्म लिख रहे होते हैं, तो आप 4 टर्म लिख दो इसके अंदर और इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट पे आंसर निकालो। अब देखो आंसर मैंने निकाल ली, यहां पे चौथी टर्म का कोई रोल है नहीं, क्यों रोल नहीं है, क्योंकि जो आपको आंसर है 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, ये जो चौथी टर्म है इसका 4 डेसिमल प्लेसेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्यों, इसके शुरू के 4 तो मिनिमम 0 है, 5वां भी 0 है इसका, मतलब 5 डेसिमल प्लेसेस तक कोई फर्क ही नहीं है, 0 0 आप ऐड कर रहे हो, छठी डेसिमल में इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप शुरू के 3 कंसीडर करो ना, तब आपका आंसर में हमें 5.099 आ रहा होगा, ठीक है। उसके अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक लगाना है ना, तो अगर आप शुरू की 3 भी कंसीडर करो तो उसके बाद 5.099 आ रहा होगा, आप एक 0 लगा देना अपनी तरफ से, या 4 भी निकाल लो, कोई फायदा, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया चौथी का कोई इंपैक्ट ही नहीं है यहां पे, 4 डेसिमल प्लेसेस तक कोई नहीं। हाँ, अगर आप ज्यादा डेसिमल प्लेसेस निकाल रहे होगे वहां शायद आपको इंपैक्ट नजर आ जाए, लेकिन इसमें कोई इंपैक्ट नहीं है। तो बहरहाल जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो असल में मैंने कॉपी की है, मुझे नहीं पता इसका ये आंसर आ रहा क्या है, -0.002+0.00004। हाँ, तो आंसर इसका ये आ रहा है एग्जैक्ट, इसको जब आप मल्टीप्लाई 5 करोगे ना, तो आंसर आपके पास आ रहा है ये चीज। तो अब उन्होंने बोला होता कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो 2 का राउंड ऑफ कर देना, मतलब 2 5 से छोटा है, अगर बड़ा होता तो इसके अंदर मैं 1 कर देता इसको, 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ कर दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। आप लोग यही स्टैंडर्ड रख लो कि 4 टर्म निकाल लो, इंपैक्ट पड़े ना पड़े एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लो कि 4 टर्म निकालो, एड करो, सॉल्व करो, जो आंसर आए, जो भी कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है आप उसको राउंड ऑफ कर लो, और 4 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने बताया था, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप निकाल लो। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें भी आपने यही काम करना है, कोई नई चीज नहीं है उसके अंदर। तो बच्चों 8.4 हमारी कंप्लीट होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 8.5 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।